रही अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। तो आपने देख रहे अबू बकर अली रेसिपी, तो आज मैं आपने साथ एक तो आज मैं लौकी गोश्त की आपने साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी ईजी सी रेसिपी है इसकी जो मैं आप शेयर करूँगी। इसको बनाना ही बहुत आसान है, बहुत मज़े का बनता है। देख लेते किस तरीके से हम लोग बनाएंगे और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने लौकी ले ली थी, इसकी मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह पीसेस में इसको कट कर लिया है। और ये 3 पाव के करीब मैंने मटन लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। और ये 3 से 4 हरी मिर्च थी, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और कुछ मसाले भी ऐड होंगे, तो जब वो ऐड करती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए मैंने सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। देखिए जितना हमें ऑयल चाहिए होगा हम ऑयल डाल लेंगे इसमें। प्याज डाल देंगे इसके अंदर, इसका लाइट कलर इसको ब्राउन कर लेंगे हल्की सी हम। वेट करते हैं इसके हम ब्राउन होने का। तो गाइस ये साथ ही साथ हम जो इसके लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें ताकि दोनों की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए इसकी भी हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है प्याज के साथ साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। और चीज़ें भी ऐड करते तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और टमाटर भी ऐड कर लेंगे साथ ही साथ। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो गाइस अब खुश मसाले ऐड करते हो। सबसे पहले हल्दी ऐड कर लेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे इसमें। और हसबे ज़ायका का नमक डाल देंगे इसके अंदर। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को आपस में। अच्छे तरीके से भुनाई करवा देंगे मसाले की। तो गाइस दीदी के मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, ऑयल भी अलहदा हो चुका है। तो हम इसके अंदर लौकी डाल लेंगे और अब अच्छे तरीके से मसाले मिक्स कर देंगे लौकी को। सो गाइस देखिए ये अब हम इसके अंदर मटन डाल देंगे, और ये मटन का जो पानी ये भी डाल देंगे इसके अंदर, ये गल जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। और पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो गाइस तकरीबन 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे। तो फिर 10 मिनट के बाद दिखाते हैं फिर आपको। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रखा था, तो 10 मिनट हो चुके, तो हम चेक कर लेते हैं हमारा मटन, हमारा लौकी मटन तैयार हुआ है नहीं। सो गाइस देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। इसके अंदर मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से तरीके से तैयार हो चुका है, और कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए हमने डिश आउट कर दिया। देखिए माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत आया है, मसाले की बनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, और इंशाल्लाह टेस्ट में बहुत अच्छा हो। तो आपने इस रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।